इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलका डॉट का डॉट में आपको अभी कैसा मोमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका स्पोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी किसी कॉइन या टोकन में डाउनफॉल होता है तो वहां पे आपको अपनी बाइंग करनी चाहिए अगर उसका प्राइस अपने बॉटम से 2x या 3x नहीं हुआ। तो डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और आपको एक चीप प्राइस में मिल रहा है, $10 के नीचे मिल रहा है, तो आपकी लॉन्ग टर्म विजन से यहाँ पे एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम पोलका डॉट के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 7.38 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 7.35 से लेके 7.66 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 9 बिलियन के ऊपर है, 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 240 मिलियन है। तो जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर आपने फैक्ट समझना है कि अभी यहाँ पे करेक्शन हो रही है, करेक्शन पे आपकी बाइंग हो सकती है अगर आपने बॉटम में पिक नहीं करा। हमारी जो पहली एंट्री हुई थी वो हुई थी 3.6 से लेके 3.8 के रेंज में, तो हम उससे 2x के प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्दर अगर आपने उस टाइम अपनी बाइंग नहीं करी तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है, टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं पोलका डॉट के बारे में तो यहाँ पे आपको इसकी इन्फो में आपको पोलका डॉट की वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। और अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके अबाउट में ही आपको पोलका डॉट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो 7 डे का लो और हाई आपको देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने बॉटम के लेवल पे हैं, और जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे हम 86% के डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं, और इसका ऑल टाइम हाई $54.9 का रेंज देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट हम $50 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, पर ये जो प्रोसेस होगा ये टाइम टेकिंग होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डॉट यहाँ पे डेड हो चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी रिकवरी स्टार्ट होती है तो सबकी नज़रें टिकती हैं डॉट पे जाके। पोलका डॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जब तक आपको इसका फंक्शन नहीं पता, इसका यूज केस नहीं पता, तब तक आप कह ही नहीं सकते कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, ये डेड है या क्या है। देखिए, हर एक पर्सन डेली एक ही चीज़ नहीं खा सकता है, वैसे ही यूज़ केस होता है। आप हर एक कॉइन का डेली डेली यूज़ केस नहीं कर सकते, जब किसी चीज़ की डिमांड आती है तभी उसका प्राइस ग्रो करता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जब उसकी डिमांड आ रही है, उसका प्राइस ग्रो कर रहा है, तब आप वहाँ पर बाइंग करें। तो जितनी देर ये हाईलाइटेड नहीं हुआ, इसका प्राइस बॉटम में है, आपके पास ऑप्शन है बाइंग करने का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। पहले हमने डॉट का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको राइजिंग वेज का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके कि हमने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है और इसी को हमने एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करा है। पहले मैंने आपको बोला था कि आपकी जो एंट्री है वो इस 200 EMA के पास होगी, और दूसरी जो आपकी एंट्री होगी ना वो यहाँ बॉटम के पास होगी, जो कि रेंज होगा आपके पास 6.8 से लेके 6.9 का। तो आपने दो पार्ट में यहाँ पे बाइंग करनी है। अभी भी देखिए, जैसे ही हमारी कैंडल की क्लोजिंग 200 EMA के नीचे होगी, आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 20 का EMA है, 50 का EMA है, इसमें आपको बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है। पर जो आप करंट का प्राइस देख रहे हैं 7.2 का, यहाँ पे भी आपकी स्मॉल बाइंग होगी, और बाकी की जो डिप एंट्री है वो आपको मैंने जो बॉटम रेंज बताया है वहाँ पे होगी। अभी देखिए, आपको ओवरऑल मार्केट में कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से किसी भी कॉइन या टोकन का फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। पर जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम आएगी, आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं डेली के अकॉर्डिंग, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपको डेली टाइम इंटरवल देखना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना है, और 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बाइंग का ऑप्शन मिलेगा। आप फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट थोड़ा रिस्की है। आपको फरवरी में कोई भी FOMC की मीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो जितना भी यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा अपडेट्स का वो मार्च में ही आपको देखने को मिलेगा। अब आपने फोकस करना है जब मार्च में हमारा CPI डाटा आता है वो कितना आता है, या उसके अकॉर्डिंग FOMC मीटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। फिलहाल अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहे हैं, हम इस लेवल पे 200 EMA को जाकर टच करेंगे, तो इसके बाद से आपको रिकवरी देखने को मिली। अब देख सकते हैं आप कि हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सपोर्ट का लेवल बताया था 7.1 से लेके 7.0 का, इसी लेवल को हम टच करेंगे, देन यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर हमने हायर हाई हायर लो को फॉलो करा।
अभी क्या है मार्केट में वॉल्यूम आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी करेक्शन होगा। तो होप आपको यहाँ पे आपका एंट्री लेवल अच्छे से समझ आ गया होगा, आपकी बाइंग होगी 7.2 से लेके 7.0 के रेंज में फर्स्ट एंट्री, और उसके बाद से आपने सेकंड एंट्री लेनी है 6.1 से लेके 6.4 के रेंज में अगर आपको मिलता है। दो पार्ट में आपने बाइंग करनी है। आपका जो टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का, पहले $8 का होगा, फिर 9 का होगा, फिर 12 का होगा, वैसे ही लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट है वो $50 से $60 का होगा। धीरे धीरे आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में मैनिपुलेशन कम होती है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।